नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खोजनामा के एक नए वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक नई जगह। हमारे पीछे है माँ शीतला मंदिर प्रवेश द्वार, तो हम इसमें जाएंगे। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना होता है इन सीढ़ियों के द्वारा। और जो मंदिर है वो यहाँ से कितना दूर होगा? 200 मीटर। तो मंदिर यहाँ से 200 मीटर लगभग ऊपर होगा। यहाँ के बंदरों से मुझे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हाथ में जो भी चीज़ें वो छीन लेते हैं। तो अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर। तो यहाँ से कुछ 50-60 मीटर चलने के बाद ये सामने है विश्राम गृह। तो अब वहाँ पर जाके बैठते हैं, विश्राम गृह में आराम करते हैं और आपको ये मनोहर सुंदर दृश्यों के बीच में बैठ करके शीतला माता की कहानी के बारे में आपको बताते हैं। तो वो है सामने मंदिर शीतला माता देवी का। यहाँ पर आप पैर वैर धो करके अपने आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पीछे है वो शीतला देवी माता का मंदिर। तो मैं आपको कहानी के बारे में बता रहा था। तो महाभारत के टाइम पे ऐसा हुआ था कि ज्वरासुर नाम का जो राक्षस था, सारे के सारे जो बच्चे थे वो बुखार से पीड़ित हो गए थे। उनमें चेचक की बीमारी, आपका जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं, वो सब होने लगा था। तो उस वक्त लोगों ने प्रार्थना करी। तो जो शीतला माता देवी है वो पार्वती का ही अवतार मानी जाती है, तो वो धरती पे आई और उन बच्चों को उन्होंने सही किया। तो ये एक हमारी पौराणिक मान्यता है। कई सारी और कहानियां हैं। तो क्या आपको पता है शीतला माता को बासा खाना चढ़ता है? आपको इसकी भी कहानी बताता हूँ, आओ। तो बोलते हैं एक बार शीतला माता जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने सोचा कि धरती पे चलती हूँ, कौन मेरी पूजा करता है मैं वो देखती हूँ। तो वो धरती पे आई, राजस्थान के एक गाँव में वो आई, और वहाँ जब वो विचरण कर रही थी तो एक घर के नीचे से गई, तो एक औरत ने जो चावल का गर्म पानी होता है वो अपने घर से नीचे फेंका और वो माता के ऊपर जा कर के गिर गया। तो माता के शरीर में पूरे फफोले होने लगे और वो भागने लगी, क्योंकि बुढ़िया का वेश उन्होंने धारण किया हुआ था। तो माता भागने लगी, भागते भागते उन्होंने देखा कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है। फिर एक घर मिला जहाँ पर एक कुम्हारन का घर था जो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। तो वहाँ जब माता गई तो उस कुम्हारन महिला ने माता का इलाज किया, उनको घर में बासा भोजन और दही दी, जिसको खाने के बाद माता को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो इसके बाद माता ने बोला जरा मेरे सर की मालिश कर दो। तो जैसे ही कुम्हारन ने मालिश करने के लिए हाथ रखा तो देखा पीछे एक और आँख थी, तो वो डर के मारे भागने लगी। तो तभी माता ने बोला आप डरो मत, मैं ही शीतला माता हूँ, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो कुम्हारन ने बोला कि इस दरिद्रता से हमें मुक्ति दे दो। तो माता ने एक झाड़ू एक हाथ में, और आपने देखा होगा माता गधे में बैठी होती है, तो एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में टोकरा जिसमें कूड़ा रखते हैं वो लेकर के माता ने उसकी घर की सारी दरिद्रता को दूर कर दिया। और उसी वजह से माता को हमेशा बासा खाना चढ़ता है, क्योंकि उस कुम्हारन ने माता को बासा खाना चढ़ाया था। तो ये मान्यताएँ हमारी, कई सारी कहानियाँ हैं शीतला माता से जुड़ी हुई। तो अब चलते हैं आगे और मंदिर के दर्शन करते हैं। तो थोड़ी दूरी पे नीचे शहर है, वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़, और यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर सिर्फ घंटियों और चिड़ियाओं हवा की आवाज़। क्या सुंदर दृश्य है इधर। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। आपका नाम क्या है? दीपक जोशी। दीपक जोशी, आप यहाँ कब से हैं? मैं 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने हो गए हैं। तो ये मंदिर कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? पहले यहाँ से ना बनारस से मूर्ति लाई जा रही थी, ये भीमताल है ना पांडे गाँव, वहाँ स्थापित करने के लिए लाई जा रही थी। तो यहाँ से था, तब तक पैदल रास्ता था, यहाँ से जा रहे थे पैदल रास्ता था, तो यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे। तो माता के दर्शन हुए, कहते हैं कि स्थापना यहीं कर दो मेरी। अच्छा, पांडे लोग भीमताल ले जा रहे थे भगवान की स्थापना करने, बनारस से। हाँ, बनारस से लाए थे माता की मूर्ति को। जी जी। अच्छा, और वो यहीं पर रहेगी? रहेगी, भीमताल जाने के बीच में रुक गई वो। हाँ, मतलब उन्होंने कहा यहीं पर स्थापना कर दो। अच्छा अच्छा,
तो कितने साल हो गए हैं इस मंदिर को? 150 साल पुराना मंदिर है ये, और आप यहाँ रहते हो? जी। अच्छा, तो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो आप भी? अभी तो ऐसी है। अच्छा, ये जो है महाराज श्री किशन ब्रह्मचारी, ये तो शिष्य हैं, गुरु जी हुए हैं उनके। अच्छा, वो चंद्र ब्रह्मचारी। अच्छा, तो उन्हीं का आश्रम बनाया हुआ है? उन्हीं ने बना, पहले बना तो बहुत पहले था, फिर ही आए यहाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं शीतला माता देवी के। तो पंडित जी ने मुझे एक कहानी बताई, पंडित जी ने बोला कि जब माता की मूरत को बनारस से भीमताल के लिए ले जाया गया तो कुछ पांडे लोग थे जो इस मूर्ति को लेके जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया और उसमें से एक आदमी को जो उनके साथ लेके जा रहे थे रात में सपना आया कि माता ने बोला मेरी मूर्ति को यहीं स्थापित किया जाए। तो जब सुबह सब उठे और उस मूर्ति को उठाने की कोशिश करी गई तो मूर्ति उठी ही नहीं, तो इसीलिए शीतला माता देवी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की गई जो कि पार्वती का एक अवतार है। तो तभी से ये शीतला माता मंदिर बना हुआ है जिसको 100 से 150 साल हो चुके हैं। तो ये है हमारा मंदिर, और अगर आप नैनीताल आ रहे हैं या हल्द्वानी आए हैं तो यहाँ मंदिर में ज़रूर आइए, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है। आप हल्द्वानी से यहाँ की दूरी कुछ 5 से 6 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। ऊपर आप 200 मीटर ऊपर आएंगे चलते हुए तो आप यहाँ मंदिर में पहुँचेंगे। यहाँ पर एक खूबसूरत सा ये एक गार्डन एरिया है, ऊपर आपका मंदिर है। तो अभी थोड़ा देर हमने ध्यान लगाया यहाँ पर, तो इसी के साथ हमारे दर्शन पूर्ण होते हैं शीतला माता देवी मंदिर के। और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ खोजनामा, और ऐसे ही हम आपके लिए नई नई जगह लेकर के आएंगे। और अगर आप ब्रह्मचारी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर आप एक्सरसाइज करते रहिए जो मैंने आपको बताई हुई है। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, लोगों को कहानी के बारे में बताइए। आप कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे हमें लगता है कि आप हमसे जुड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वही एक तरीका है हमारे साथ बात करने का। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नमस्कार।